नमस्कार दोस्तों, और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक छोटा सा टेबल है। इसमें सेल्समैन मोबाइल नेम और उनके लोकेशन दिए हुए हैं, और एक नंबर भी है कि किस सेल्समैन में किस मोबाइल का कौन से लोकेशन में कितने नंबर पर सेल किया है। तो सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पर सम इफ का। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ का फॉर्मूला सम इफ होता है, सम इफ रेंज। सबसे पहले ये हमारा हमसे पूछ रहा है रेंज, तो वो कौन सा रेंज है जहाँ से हमको क्राइटेरिया और सम रेंज देना है, वो हमको रेंज सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हम लोकेशन और नंबर के आधार पे हम इसको रेंज दे रहे हैं, यानी लोकेशन में हमारा क्राइटेरिया मिलेगा और नंबर में हमारा सम रेंज मिलेगा। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं पूरा। ये हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो लोकेशन में हमारा क्राइटेरिया है। तो मान लीजिए हम बैंक मोड का लोकेशन जान रहे हैं, बैंक मोड हो गया हमारा, कॉमा देते हैं सम रेंज। सम रेंज हमारा ये हो गया पूरा, सम रेंज मैंने कि हम कहाँ से जोड़ दिखाना चाह रहे हैं, जोड़ना कहाँ से चाह रहे हैं हम वो नंबर को। तो ये मेरा पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया, इस यानी कि इस रेंज में बैंक मोड जहाँ जहाँ भी होगा उसका हमको सम करके दिखाएगा। इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ पे आ गया नंबर 22, यानी कि ये जो लोकेशन है बैंक मोड, इस पूरे रेंज में टोटल 22 नंबर पे है, मतलब 22 काउंट है टोटल सम उसका। या फिल्टर मार के आप देख लीजिए, बैंक मोड में है जो है 8, 9, 17, 17, 5, 22, टोटल 22 आ गया। तो आपको रेंज जो है, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो होता है रेंज। तो रेंज आपको वो सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका क्राइटेरिया और सम रेंज मिलेगा, वो दोनों ही मिल करके हमारा रेंज बनेगा। सेकेंड जो आता है वो हमारा होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा जो होगा वो हो गया, मान लीजिए हम यहाँ इस टेबल में मेरा ये है क्राइटेरिया, आपका दूसरा कुछ भी हो सकता है, बैंक मोड है। और उसके बाद होता है थर्ड में सम रेंज। तो सम रेंज जो है हमारा वो नंबर जहाँ पे रहेगा वहीं से हम सम रेंज लेंगे। तो ये हो गया हमारा सम रेंज। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इक्वल्स टू सम इफ, इस बार हम मान लीजिए रेंज हम पूरा ये दे रहे हैं, सेल्समैन से लेकर के नंबर तक, ये पूरा मेरा रेंज हो गया। लेकिन क्राइटेरिया जो है हमारा हम सेल्समैन से देंगे। सेल्समैन से मान लीजिए हम सौरभ नाम चुन लिए, क्राइटेरिया मेरा ये हो गया। सम रेंज, सम रेंज तो मेरा यही होगा क्योंकि नंबर जो है, डिजिट्स जो हमारा लिखा हुआ वो इसी में लिखा हुआ, तो सम रेंज तो मेरा यही रहेगा। तो सम का जो है वो सम रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। हमारा आंसर आ गया 20। अब इसमें हम फिल्टर मार के एक बार चेक कर लेते हैं। सौरभ 4, 3, 7, 8, 15, 5, 20, टोटल 20 नंबर आ गया, यही था हमारा आंसर। मींस कि इस जो ये जो रेंज हम सेलेक्ट किए, इसमें मोबाइल नेम और लोकेशन इस दोनों रेंज का कोई काम नहीं था। ये अगर नहीं भी रहता तो हमारा रिजल्ट वही आता। एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा देर के लिए डिलीट करते हैं। कंट्रोल माइनस ये डिलीट हो गया। तो आप देखिए हमारा जो रिजल्ट में है कोई चेंजेस नहीं आया, मीन्स वो होता या नहीं होता हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल जेड करके हम उसे वापस ले आते हैं। तो इस तरह से सम इफ काम करता है, यानी कि हमको ध्यान इसमें यही रखना है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है रेंज का, वो हमको वहाँ तक देना है जहाँ से मेरा क्राइटेरिया रहेगा और जहाँ से हम सम रेंज दिलवाएंगे, वो दोनों होगा। दूसरा है हमारा सम इफ्स, ये कैसे काम करता है। फॉर्मूला पहले स्टार्ट करते हैं। सम इफ्स, सम रेंज, इस बार मेरा जो पैरामीटर है वो फर्स्ट में ही हमसे पूछ रहा सम रेंज। तो हम जो सम कराने चाहते हैं उसका रेंज क्या है, तो वो मेरा ये हो गया रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज मेरा वन, मान लीजिए हम सेल्समैन से हम उसका क्राइटेरिया देना चाहते हैं, तो इससे हम रेंज पूरा सेलेक्ट कर लिए सेल्समैन वाला। उसके बाद पूछ रहा क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन जहाँ से होगा वहीं से कोई भी हम क्राइटेरिया चुनेंगे। मान लीजिए हम क्राइटेरिया चुने भरत, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू हम मान लीजिए चुन लिए मोबाइल नेम से, ये हो गया मेरा क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा क्राइटेरिया टू, यानी कि भरत जो है वो किसी पार्टिकुलर जो मोबाइल है, यानी हम जो भी अभी क्राइटेरिया देंगे वो जो सेल किया है उसका टोटल सम कितना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद, एंटर, टोटल क्या आया 12, यानी कि भारत जो है वो सैमसंग मोबाइल जो बेचा है उसका नंबर का जो सम है वो कितना होगा 12। तो एक बार चेक कर लीजिए,
भारत हम फिल्टर किए यहाँ से, यहाँ देखिए भारत टोटल जो है वो कितना सेल किया है 24, लेकिन सैमसंग मोबाइल जो है ये दो बार किया है, एक बार 5 और एक बार 7, 7 और 5 12। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे लोकेशन के आधार पर भी मान लीजिए उसका सम करवाना था तो उस वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम दो क्राइटेरिया दिए, आप 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया हम मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं कॉमा क्राइटेरिया रेंज, देखिए यहाँ पे 3 जो है ये हाईलाइटेड है, क्राइटेरिया रेंज 3 हमारा लोकेशन हो गया मान लीजिए, तो लोकेशन हम पूरा सेलेक्ट कर लिए कॉमा। इस बार हम लोकेशन जो है मान लीजिए हम बैंक मोड़ दे रहे हैं, बैंक मोड़ दे रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट 1 पहले से है, एंटर। तो 5 मीन्स कि भारत जो है वो सैमसंग मोबाइल बैंक मोड लोकेशन में जो बेचा है वो टोटल 5 ही नंबर बेचा है, इतना ही है। चेक कर लीजिए एक बार, भारत फिल्टर किए फर्स्ट में, सेकंड में हम फिल्टर किए सैमसंग मोबाइल, और थर्ड में मेरा जो लोकेशन था वो बैंक मोड़ था। देखिए टोटल सैमसंग मोबाइल वो 12 बेचा था, लेकिन बैंक मोड़ में वो 5 बेचा है, बरवड्डा में वो 7 बेचा है, ठीक है। तो हम इसे अब फिल्टर हटा देते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बरवड्डा लोकेशन देते, जैसे F4 के जगह पे हम मान लीजिए F10 दे देते, F10 बरवड्डा, तब हमारा रिजल्ट कितना आ गया 7। यहाँ देखिए 7 मीन्स कि भारत जो है सैमसंग मोबाइल बरवड्डा लोकेशन में 7 बेचा है। तो इस तरह से सम इप्स काम करता है, उसको आप जितना चाहे उतना क्राइटेरिया रहेंगे क्राइटेरिया दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो वहाँ से जहाँ जहाँ से आप उसको डेटा दे रहे हैं वहाँ वहाँ से वो पिक करते जाएगा जितना भी आप उसको क्राइटेरिया दे रहे हैं। जैसे कि सेल्समैन का पहले भारत, आप यहाँ से वो भारत सेलेक्ट किया, फिर सेकंड रेंज में वो सैमसंग सेलेक्ट किया, थर्ड रेंज में वो बैंक मोड हो या बरवड्डा हो कुछ भी लोकेशन हो उसके आधार पर निकाला, तो जितना भी उसका सम हुआ उस रेंज का, इस रेंज से जितना भी उसका सम बना वो हमको निकाल के दे दिया। इस तरह से काम करता है। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।